तो नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है अपना ही यूट्यूब चैनल जॉब स्टोरी में। दोस्तों आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल के आ रही है बिहार टेट की तरफ से। जी हाँ फ्रेंड्स, ऑनलाइन फॉर्म 2019-20 यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इसकी नोटिफिकेशन क्या आ रही है मैं आपको दिखाने वाला हूँ। कब से इसका फॉर्म भरा जाएगा, कब इसका एग्जाम होगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको स्टेप बाई स्टेप देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप बिहार टेट का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि किसी वैकेंसी के बारे में सबसे पहले अपडेट मैं इसी चैनल पर लाता रहता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे इसी के बारे में बात करने वाला था। बिहार टेट नोटिफिकेशन 2019-20 यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे अपडेट के बारे में बात कर लें तो फ्रेंड्स 31/7/2019 यानी कि आज ही का ये अपडेट आया हुआ है फ्रेंड्स। इसीलिए कहते हैं इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि किसी वैकेंसी के बारे में सबसे पहले अपडेट मैं इसी चैनल पर लाता रहता हूँ। फ्रेंड्स नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा बिहार टेट नोटिफिकेशन 2019। इसके बाद फ्रेंड्स हम आगे आपसे बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको जो ये पेपर न्यूज़पेपर कटिंग में ये आया हुआ था न्यूज़, ये आपको दिखा दे रहे हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ये न्यूज़पेपर में बताया जा रहा है फ्रेंड्स, आपका बिहार टेट का जो एग्ज़ाम होगा 17 और 18 दिसंबर को होगा। 17-18 दिसंबर 2019 में होगा, ये आप देख सकते होगा। कब आपका ये फॉर्म भरा जाएगा ये भी आगे आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको इसके सिलेबस के बारे में वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए सिलेबस के बारे में। इसके बाद फ्रेंड्स आपसे मैं एज के बारे में बात करूँ तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा मेल के लिए आपको 35 ईयर और वहीं फीमेल के लिए 38 ईयर्स हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं आप मेल और फीमेल ओबीसी के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा, दोनों ओबीसी के लिए और ओबीसी मेल और फीमेल के लिए दोनों 38 वर्ष लग जाएगा। उसके बाद एसटीएससी यहाँ पे देख सकते हैं फीमेल के लिए 40 ईयर्स आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स हम आपसे बात कर लें एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा एप्लीकेशन फ़ी, यहाँ पे आपको मिल जाएगा कैटेगरी और यहाँ पे पेपर वन और पेपर टू और यहाँ पे बोथ पेपर वन पेपर टू दोनों एक साथ अगर आप अप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे मैं बता दूँ, अगर आप जनरल ओबीसी और बैकवर्ड मोस्ट बैकवर्ड क्लास से आते हैं तो फ्रेंड्स आप इसको सही से देखिएगा। अगर आप पेपर वन में भरना चाहते हैं तो आपको 400 रुपया लगेगा, या आप पेपर टू में भरना चाहते हैं तो आपको 400 रुपया लगेगा। कोई एक में भर सकते हैं तो आपको 400 रुपया लगेगा। अगर फ्रेंड्स आप पेपर वन पेपर टू दोनों में इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, पेपर वन पेपर टू दोनों के लिए, तो फ्रेंड्स आपको 600 रुपये देने होंगे। उसके बाद एसटीएससी पीडब्ल्यूडी के लिए फ्रेंड्स हम बात कर लें तो फ्रेंड्स आपको अगर पेपर वन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 200 रुपये चार्ज देने होंगे, पेपर टू के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 200 रुपये चार्ज देने होंगे। वहीं फ्रेंड्स अगर आप दोनों में अप्लाई करना चाहते हैं पेपर वन पेपर टू में तो आपको चार्ज देने होंगे 300 रुपये। ये फ्रेंड्स आपको ये ऑनलाइन पे कर सकते हैं ये फी। उसके बाद फ्रेंड्स हम आपसे बात करते हैं कैसे अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स जो आपका अप्लाई डेट है ये आपका ऑफिशियल साइट मिल जाएगा, मैं इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर के अप्लाई कर आप जाकर के चेक कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अगस्त से ये इसका फॉर्म स्टार्ट होगा। अगस्त में फ्रेंड्स इसका जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होगा अगस्त में, सबसे पहले आपको इसी चैनल पर वीडियो बनाकर बता दूंगा कि आपका फॉर्म स्टार्ट हो गया। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो फॉर्म स्टार्ट होगा अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। और फ्रेंड्स इसका जो एडमिट कार्ड का डेट है अभी नहीं बताया गया, इसका एग्जाम डेट यहाँ पे आपको 17 से 18 दिसंबर आपको बता दिया गया है। तो फ्रेंड्स इतना ही बताना था इस वीडियो में। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि किसी वैकेंसी के बारे में सबसे पहले अपडेट मैं इसी चैनल पर लाता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही।